हूँ भाई सभी को, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। आज गाइस हम जा रहे हैं गोवा। वी आर ऑन आर वे टू एयरपोर्ट। तो गाइस एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, इस लौंडे की वजह से बहुत जल्दी आना पड़ा है, बहुत जल्दी। ऐसे लोगों से दूर रहे या दो घंटे बैठना पड़ेगा। तो गाइस फ्लाइट में बैठ चुके हैं, थोड़ी देर में जहाज उड़ाना पड़ेगा। कैसा लग रहा है भाई? मजा आ रहा है। पायलट इज फ्रॉम GTA ब्रो। गाइस गोवा पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे, टैक्सी देख रहे हैं, बारिश पड़ रही है बहुत तेज, देखते हैं क्या सीन बनता है। गाइस कैब में जा रहे हैं होटल। वेलकम टू गोवा गाइस, वेलकम टू गोवा, दिस इज जस्ट फॉर फन। डब्लू ढूंढना है गाइस, डोंट टेक इट। डब्लू ढूंढना है, 10 करोड़ लेके जाएंगे। गाइस होटल पहुंच चुके हैं, बहुत लड़ाई हो गई होटल वाले से। क्या हो गया भाई? ये बातें कुछ हो रहे हैं और देख कुछ हो रहे हैं। हमने करा था कॉटेज बुक ऑनलाइन देख के, अपने कहते हैं तुमने जो करा था वो स्टूडियो फैमिली स्टूडियो बुक करा था, और हमें क्या पता इन्होंने किसका क्या नाम रख रखा है। फिर कहते हैं सेकंड फ्लोर पे रूम है, वो भी बेकार सा, कहते वहीं मिलेगा। फिर लड़ भिड़ के ये रूम मिला है बड़ी मुश्किल में। बाकी बाहर बारिश पड़ रही है गाइस, ये देखो गाइस कूली कूली आ रहे हैं। अरे गोवा घूमना है, क्या कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। गोवा घूम रहे हैं। तो गाइस अभी हमने कर दिया है चेकआउट और अब हम जा रहे हैं नॉर्थ गोवा, देखते हैं वहाँ के लिए टैक्सी वगैरह। कार रेंट पे ले ली है, अब जा रहे हैं कैंडलेम। गाइस कैंडलेम पहुँच गए हैं। यहाँ का रेत भी अलग है, यहाँ का लेको कच्चे में घूम रहे लहरें बहुत अच्छी आ रही हैं। ज़्यादा पकड़ा आ गया। गया लोवर गया वे। तो गाइस अभी होटल वगैरह चेक इन करके बागा पे आ गए हैं, बागा बीच। तीनों बीचों में सबसे प्यारा बीच लगा है मेरे को अब तक ये। बाकी अभी आपको नीचे जाके दिखाते हैं, नहाएंगे अभी यहाँ पे, मौज मस्ती पूरी। गाइस लौंडा ले रहा है टी शर्ट, कितने की है? 150 में मिल जाते हैं गाइस। ये टी शर्ट शर्ट कितने की है? फ्लोरल वाली 350 में गाइस ये मिल जाती है। गाइस ये रहा बागा बीच। चाबी उसमें चाबी गाइस ये दोनों आने रे। गाइस प्यार मोहब्बत चल रही है गाइस। भाई साहब गाइस हमारा चौथा बंदा आ गया गाइस। हाय हेलो गाइस, इसको डुबा डुबा के मारेंगे गाइस। गाइस अभी हम आए टी टू लेन, अभी पार्टी वगैरह करके निकले अंदर, वीडियोग्राफी वगैरह लाउड नहीं थी बिल्कुल, करने की कोशिश करी थी, फोन छीन लिया। तो हम डे 3 है, बागा बीच पे ही है अभी। गाइस टीटोज लाइन में, टीटोज लेन में ही जाना, आगे मत जाना। आगे पीछे मत होना, बहुत बेकार क्लब है, पैसे ले लेंगे। और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, ये पूछ लेना कि वीडियोग्राफी अलाउड है या नहीं है। हाँ ये बात जरूर पूछ लेना।
और टीटोस लेन में सारे क्लब बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके इधर उधर मत जाना, बागा बीच का है तो टीटोस लेन बहुत बढ़िया। बाकी आज हमारा प्लान है अंजुना बीच वगैरह जाने का, फिर आरामबोल वगैरह पे जाएंगे। देखो गाइस ऐसे बोतल पड़ी रहती है यहाँ पे। ऐसे तो कुछ भी नहीं, ढेर लगा रहता है और ठेके तो नॉर्मल है। इस दुकान में आपको हर जगह बियर हो रहा है, नॉर्मल रेस्टोरेंट्स पे जाओगे रेस्टोरेंट पे बियर होगा। हर दुकान पे बाहर वाला सीन नहीं है कि रेस्टोरेंट पे दारू वगैरह नहीं रखते, नॉर्मल है यहाँ पे। तो फिर से पहुँच गए हैं बागा बीच, यहाँ फोटो वोटो खिंचवाएंगे अभी, फिर अंजुना वगैरह के लिए निकलेंगे। मस्त ऊँची ऊँची लहर उठ रही है। तो गाइस मछली पकड़ के लाए हैं अंकल, जिंदा है गाइस अभी। तो गाइस अभी हम आ गए पर्रा रोड, बहुत भीड़ है यहाँ, धूप भी बहुत हो रही है। अब बनाते हैं रील्स वगैरह शूट करते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए हैं अंजुना बीच पे, तो बीच ही बहुत छोटा सा है, अभी दिखाते हैं। लहरें काफ़ी ऊंची उठ रही हैं अब, ये यहाँ पे बस ये ख़त्म हो गया भाई, इन तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। आगे पत्थर वत्थर का भी कुछ है और शायद बारिश भी स्टार्ट हो गई है। यस इट्स रेनिंग हियर। यहाँ पे लोग वोग भी ज़्यादा नहीं है जैसे नॉर्मल बीचेस पर रहते हैं, सब ठीक ठाक है। आगे बोट जा रही है गाइस, अभी जा रहे हैं हम वेटर, गाड़ी वगैरह लगाई है, वेटर बीच है, देखते हैं नज़ारे अच्छे हैं इसके भी, बाग वगैरह की तरह ही है, शेक्स वगैरह भी हैं, देखते हैं। यहाँ पे जीप की थार देखो क्या बना रखी है, देखो क्या बना रखी है भैया ने, टायर देखो गाइस मोटे। वैसा गाइस चल के आ रही थी ना, इतनी सेक्स लग रही थी, बस पूछो मत। क्या वगैटर काफ़ी अच्छा बीच है, काफ़ी सही बीच है नहाने वगैरह के लिए, बागा से अच्छा है अगर नहाना हो तो। आप अभी आ चुके हैं मॉर्जिम बीच पे, गाड़ी वगैरह पार्क कर के देखो बीच काफ़ी बड़ा है भाई, काफ़ी बड़ा है। ये देखो भाई काफ़ी बड़ा बीच है। अभी जा रहे हैं इधर गाइस, गाइस देखो ये कहाँ अंधेरे के दिन बीच की तरफ। पकड़ ली गाइस मछुआरा गाइस, मछुआरा टैग दी गाइस, गाइस शिकारी आ गए पकड़ने। गाइस देखो कितनी सारी मछली, देखो कितनी सारी मछली पकड़ ली गाइस, मछली पकड़ी हमने, बस थोड़े से मजे के लिए इसको अभी छोड़ देंगे हम सबको। देखो गाइस, गाइस ये जो लड़का है कर रहे हैं जीवत्या भाई, मजाक से हट के
ये कौवे आ रहे हैं, मछली खा रहे हैं। ये तो लंच टाइम चल रहा मोरजम पे तो घूम लिए हैं, अगर इस पे खाना वाना खा के अरम्बोल बीच की तरफ निकलेंगे। अभी हम आ गए हैं अरम्बोल बीच, गाड़ी वाड़ी पार्क कर दी है यहीं पे, और जाने बीच की तरफ थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है। आगे दिखाता हूँ बीच, अभी नहाने तो नहीं गया, सी गया है। गाइस गाय मिलने आई हमसे, हाँ हाँ कर रही है गाइस। भाई खेलते हुए भाव क्यों खा रही है अभी? मना कर रही है भाई, बुरा मान गए भाई। उसने हाथ लगा दिया तेरे से, थोड़ी हाथ लगवाएगी वो। हैं लगाया था भुट्टा खाएंगे गाय, भुट्टा खाओ। आज करूँ जैसी ये बिल्डिंग है ऐसी ही हमारी है जिसमें हम खड़े। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है गाइस, 6000 में रूम दे रहे हो कैसे का। यहाँ पे हमने 2500 में ले लिया था बढ़िया रूम है। आज भी हम बागा बीच पे हैं, बस रूम चेंज कर लिया। अभी हम जा रहे हैं कोको बीच, फिर जाएंगे आके वापस बागा पे नहाएंगे। बागा पे नहा के निकलेंगे सललिम डैम की तरफ, फिर नहीं सललिम नहीं, पहले निकलेंगे ओल्ड गोवा, फिर वहाँ से सललिम डैम। नाश्ता वाश्ता कर लिया है, बागा पे तो गए नहीं, अभी कोको बीच पे जा रहे हैं। डोसा वगैरह मंगाया था इन पर, अभी तक खाया नहीं गया, हमारा कम्प्लीट हो गया, हमारे साथ जानवर बैठे। गाइस का खाना देख लो, चम्मच से पराठे खा रहा है ये देखो, अचार रख दिया, दही रख दी, चोचले देख रहे हो गाइस तुम। मुझको बाहों में तुम घेरो, समझना सनोरिता। कोको बीच पे आ चुके हैं, यहाँ डॉल्फिन वगैरह दिखती हैं। यहाँ तो वाली छठ बन गई थी ऐसे बोटिंग, अभी बोट पे जा रहे हैं भाई। बोट पे जा रहे हैं, 350 रुपये चार्ज लिया है। बीच कोई इतना खास नहीं है, बस ये डॉल्फिन वगैरह दिख जाती हैं, देखते हैं डॉल्फिन वगैरह दिखती हैं। तो बोट पे बैठ चुके हैं, अभी निकलेंगे यहाँ से। हेलो बोल दो गाइस, हेलो बोल दो गोलू भाई, हेलो हेलो। बोट चल पड़ी है, मजा आ रहा है। आगे शायद डॉल्फिन मिले ना मिले देखते हैं, मिलेगी तो दिखाएंगे। हसीना मान जाएगी जो मूवी है गाइस इसी में शूट हुई है। क्या नाम है भाई? जिम्मी अग्रवाल बोलते हैं। भाई इस बंगले का ओनर है जिम्मी अग्रवाल। बंगला बनाने में 80 करोड़ रुपया खर्च किए, 80 करोड़ का बंगला है भाई। ये पुरानी सेंट्रल जेल है, यहाँ की ऊपर लाइट हाउस है, अब तो टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है। डॉल्फिन तो मिली नहीं, सैड लाइफ, किस्मत खराब हमारी। तो गाइस अभी गाड़ी पार्क करके जा रहे हैं कलंगूट बीच। ये रह गया था कल, कुल्फी खा रहा है भाई, सारी खा गया। देखो यार एक कप्पा देकर सारी कुल्फी खा गया, और ये सबसे बड़ा खराब लौटना है, पूरी आइसक्रीम भर गया। बीच पे पहुंच रहे हैं, काफी बड़ा बीच है गाइस। गाइस अभी थोड़ी देर 10-15 मिनट पहले ना बारिश हो रही थी,
और अब कड़कती धूप पड़ रही है। गोवा इज अनप्रेडिक्टेबल गाइस, अच्छा बीच है गाइस, नाइस आई लाइक इट, ब्राउन सैंड। आज है शायद 27 आज, और गोवा में क्राउड बढ़ गया है आज क्योंकि लॉन्ग वीकेंड इज अहेड, काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो गया है गाइस। गाड़ी में भी आ रहे थे, काफ़ी स्कूटी वगैरह दिख रही थी, इतना क्राउड कल तक नहीं था, आज यहाँ है लोग, क्राउड भी लेकर देखते हैं, क्लब क्लब जाएंगे रात को। गाइस कैलनकोट और बागा शायद से उधर की साइड जो है बागा है, ये कैलनकोट है, पता नहीं डिफरेंस भी है नहीं है, स्कैम है गाइस, कहाँ कहाँ पार्किंग के पैसे दिए, के पैर अंदर ही चले गए, अंकल पूरे मौज मस्ती कर रहे हैं गाइस। गाइस ठंडा पानी है बिल्कुल, ये हमारे गोलू भाई लेग्स दिखा रहे हैं गाइस, अपने चिकन लेग्स, लेग्स मार रखे भाई ने। ओ थैंक यू, चलो चल हमारे ही पैर दिख गए गाइस, बचपन का भी खत्म नहीं होता गाइस, देखा अंकल कासल वासल बना रहे हैं, मौज मस्ती रुकने नहीं चाहिए, उम्र कितनी भी हो जाए। गाइस मजे लेते हुए गाइस बागा पे आ गए, फिर से पानी चला गया गाइस खाने में। नारे चल रही है गाइस, ढक दिया गाइस उन्होंने। गाइस अभी सब नहा धो लिए हैं बीच से आगे, अब देखते हैं ओल्ड गोवा जाएंगे। भाई सिंगर हमारे चर्च पहुंच गए हैं, जो एक चर्च यहाँ पे है, दूसरे वाला वो रहा, अभी पहले उस वाले में जाएंगे फिर इसमें जाएंगे। गाइस ये वाला चर्च तो बंद हो गया, भीड़ होने वाली है इसकी, गाइस इस वाले की एंट्री 5 बजे बंद हो जाती है, ध्यान रखना इसकी 6 बजे हो जाती है, थोड़ा लेट हो गए हम आने में, कोई बात नहीं। ओला चर्च भी गाइस काफ़ी सुंदर है, अंदर से मैं पहले गया हुआ हूँ, ये भी बंद हो गया, मत आना गाइस यहाँ पर बेकार जगह है, 6 बजे 5 बजे से पहले पहले आ जाना आना है, और बारिश और पड़ रही है गाइस बाहर, पर चर्च अच्छा है, फोटो वगैरह बाहर से खिंचवानी हो तो खिंचवा सकते हो। उदास हो गया गाइस, इतनी दूर पेट्रोल फूक का है, कुछ नहीं हुआ साला, ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। बारिश हो गई बहुत तेज, भाग के गाड़ी जाना पड़ता है, और गाइस स्कूटी वालों को इतना रोकते हैं उससे ज़्यादा, नहीं आता ब्लॉग बनाना, चल बंद कर दे तू बना, भाई मेरी शक्ल खराब हो रही है गाइस, अभी मेरी शक्ल खराब, गाइस देखो वो बंदा सोता रहा था अभी से, तो सोने के लिए आया, ये हमारा ट्रिप का सोने आता, ये भी सो रहा था, ये नेविगेशन वाला भगाने वाला, ड्राइवर बढ़िया रखना गाइस, कोई कोई बेवकूफ भी घूमता है, ये भी बेवकूफ है थोड़ा सा, ये बंदा गाड़ी में सुस्त जाता है, ये सोता है, ये जाते हुए आते हुए भी सोया है, जाते हुए भी सोया है, देख लो इस बंदे की शक्ल देख लो, गाइस गाड़ी में जब लो ना तो बारगेन कर लेना अच्छे से, कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी किया था, 1500 रुपये बोल रहा था, 1100 में गाड़ी ले ली थी, और स्कूटी वगैरह भी मिल जाती है सस्ते प्राइस में, 400-500 बोलेंगे, 300-350 में दे देंगे आराम से, पर स्कूटी मत लेना, दिसंबर वगैरह में नहीं मिलेगी, नवंबर में भी नहीं मिलेगी, बहुत बारिश है गाइस गोवा में, बहुत
गाइस फैट फिश आ गए हैं। अभी भी बारिश पड़ रही है, 2-3 घंटे हो गए हैं। एस्थेटिक सा होटल है गाइस, आज सी फूड खाएंगे, काफी अच्छा है। आइस क्रैब आ गया है।